यही मजदूर पिछले 22 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, 4 कॉन्ट्रैक्टर बदल चुके हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार की मिली भगत है, जब इतनी बार डॉक्यूमेंट मंगाएगा, एक बार भी कंपनी सिर्फ डॉक्यूमेंट भी लेके नहीं जा रही। दूर जब बैठने आए थे तो पुलिस और बाउंसर की मदद से उनको, उनके परिवार को हिंसा के बदौलत ही यहाँ से हटाने का पूरा साजिश था। जैसा कि हमने कुछ समय पहले रिपोर्ट किया था कि धारूहेड़ा के हुंडई मोबिस फैक्ट्री के 105 वर्करों को अचानक गेट बंद कर दिया गया और उसके बाद से वो मजदूर तमाम अपने परिवारजनों के साथ भी लगातार फैक्ट्री गेट के कुछ दूरी पर धरने पर बने रहते हैं। और इस बीच में डीएलसी, एएलसी और ऐसे मंचों पर कई जगहों पर इनकी वार्ता होती रही है। आज भी डीएलसी गुड़गांव के साथ इन लोगों की वार्ता थी। क्या वार्ता में हुआ और क्या बीच में क्या अपडेट्स रहे और आगे यहाँ के तमाम मजदूर साथी और अन्य ऐसे भी लोग जो इनके सहयोग में हैं, वो लोग किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस विषय पर हम लोग तमाम साथियों से बातचीत करेंगे। अगली तारीख दी गई है 17 तारीख, आज उन्होंने डॉक्यूमेंट मंगाए थे एलसी साहब ने, लेकिन कंपनी उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं ले गई, कंपनी हमें थकाना चाह रही है। इससे पहले वाले तारीख पे क्या हुआ था? पहले वाली तारीख पे डॉक्यूमेंट मंगाए गए थे, सारी बात चली थी, कंपनी ठेकेदार पर थोप दे रही है, ठेकेदार हमें टाइम का झांसा दे रहा है कि हम आपको लगा देंगे जैसे ही वैकेंसी होगी उस हिसाब से हम। उससे पहले वाली तारीख पे क्या हुआ था? उससे पहले वाली पे भी यही झांसा दिया जा रहा है कि हम आपको लगा देंगे। और हम उससे पहले वाले कितनी तारीखें लग चुकी हैं अब तक? 4-5 तारीखें लग ली, 5वीं तारीख। एक लाइन में अगर पूछे कि 5वीं तारीखों में क्या बातें होती है, एक लाइन में कहें? हमें थकाना और झांसा देना। कहीं ना कहीं ये सरकार की मिली भगत है, जब इतनी बार डॉक्यूमेंट मंगाएगा, एक बार भी कंपनी सिर्फ डॉक्यूमेंट भी लेके नहीं जा रही। हमें, हमारे पास 22 साल तक के प्रूफ है, लेकिन कंपनी बोल रही है 6 साल से है, लेकिन वो 6 साल तक के भी डॉक्यूमेंट कम अब तक जमा नहीं करवा पाई है। और एएलसी भी इस बात पे मतलब हर बार नेक्स्ट तारीख दे देता है, इस बात पे ना अब तक उन्होंने सख्त कार्रवाई की है, ना ये कोई अगला कदम उठाने की कोशिश की है, बस यही बोल देते ठीक है नेक्स्ट तारीख पे अपने डॉक्यूमेंट लेके आना और अगली तारीख इतनी तारीख को है। तारीखें कितनी भी मिलो, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, हमारी एक ही मांग है हमें कंपनी के अंदर लिया जाए। चाहे तारीखें कितनी भी मिलो, हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे। हम चाहे भूख हड़ताल भी करनी पड़ी तो हम एक दिन ऐसा भी अनाउंस कर देंगे कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी कर देंगे, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे कितनी भी तारीख मिलो हमें। यहाँ का श्रम विभाग है और यहाँ की सरकारें, उन सबकी पक्षधरता इस पर पूरे मैनेजमेंट के साथ, यानी पूंजीपतियों के साथ होती है, उद्योगपतियों के साथ होती है। और हम लोगों के लिए अगर कोई छोटी सी भी गलती होती है, जिसका आपने अभी बहुत जिक्र किया, वाजिब जिक्र किया है, तो हम पर चलान हो जाता है, हमें पर फाइन लगता है। लेकिन जो इतना बड़ा डिपार्टमेंट का श्रम विभाग है, वो इनकी बात को बार बार इग्नोर कर रहा है और डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर रहा है, इस पर कोई चलान हुआ है। ये बहुत ही गैर इलीगल है और गैर संवैधानिक बातें कर रहा है, और इस पर बिल्कुल सख्त से सख्त चलान होता है, और इसका प्रावधान है भी एक चलान करने का। तो उस प्रावधान को हम लोगों को आगे श्रम विभाग में उस पर दबाव बनाना चाहिए कि उस प्रावधान का श्रम विभाग इस्तेमाल करे। पिछले 16 दिन से यहाँ पे मजदूर बैठे हुए हैं। दरअसल शुरुआत में तो मजदूर जब बैठने आए थे तो पुलिस और बाउंसर की मदद से उनको, उनके परिवार को हिंसा के बदौलत ही यहाँ से हटाने का पूरा साजिश था। उसके बावजूद मजदूर डट के यहाँ पर बैठे, धरना दिए। फिर जो वाजिब प्रक्रिया होती है कि श्रम विभाग जो बनाया है सरकार ने मजदूरों के लिए, उसमें अर्जी गई। अर्जी जाने के बाद जो वहाँ पर प्रक्रिया चल रही थी, साथी राहुल कह रहे थे 4-5 तारीख हुई, तब में केवल एक चीज़ से ही वो मैटर टल जाता है कि डॉक्यूमेंट नहीं है। अब डॉक्यूमेंट हम, आप इतना कोई बच्चा भी है उससे भी हम अगर कोई फ़ोन करके घर में बोले कि बाबू वो डॉक्यूमेंट भेज दो, 1 से 2 मिनट के अंदर वो डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाता है, चाहे मेल के थ्रू आए, व्हाट्सएप के थ्रू आए, टेलीग्राम के थ्रू आए। यहाँ पर 5 तारीखें हो चुकी हैं और जो ALC है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, जो कि कंसीलिएशन ऑफिसर सबसे हाईएस्ट ग्रेड का होता है डिस्ट्रिक्ट में, और जिसको कंपनी के इंस्पेक्शन और डॉक्यूमेंट मंगाने का कानूनी अधिकार है, वहाँ उसको केवल प्रावधान ये नहीं बोलता है कि वो केवल सलाह कर सकता है, वहाँ उसके पास पावर है कंपनी को ऑर्डर करने का कि वो डॉक्यूमेंट लाए, और नहीं तो कंपनी में जाके वो डॉक्यूमेंट निकालने का। वो उसके उस पावर होने के बावजूद ALC ने 5 बार उसको तारीख के तारीख रूप में बदला है, और एक डॉक्यूमेंट नहीं लाने की वजह से
प्रक्रिया आगे ही नहीं बढ़ रही है। मजदूरों का जो संघर्ष है वो तो काबिले तारीफ है ही, लेकिन उसके पीछे जो इसकी मेहनत है, इनके बच्चे भूखे हैं, इनके जो परिवार है वो भूखा है, बूढ़े जो माँ बाप हैं उन तक पैसा नहीं पहुँच रहा है, इसको लेकर जो बराबरी की बात कहते हैं कि भाई हम भी झेल रहे हैं तुम भी झेलो, तो कंपनी के लिए तो झेलना बहुत आसान है, वो 500 तारीख ले लेगी, उसको कंपनी चलाना है। यहाँ पे इन लोगों को कंपनी नहीं चलानी है, यहाँ पे इन लोगों को परिवार चलाना है, और परिवार का पेट नहीं पलेगा तो आज मजदूर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ पेश आ रहे हैं और यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। लेकिन ये कार्रवाई इतना ज़्यादा अन्याय, घोर अन्याय अगर होगा तो ये तो उनको भी चेतावनी होनी चाहिए कि इनका जो पूरी व्यवस्था है, जो इनके ही लूट से बनी है, इनके ही श्रम से बनी हुई है, वही अगर इतना ज़्यादा अन्याय कर दे तो मजदूरों के पास आज धरना दे रहे हैं, कल फिर उनके पास क्या उपाय बचता है, ये उनको चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। हम आप विद्यार्थी की बात किए, दरअसल हमारे खुद के कॉलेज में भी ऐसा एक सेम केस आया था और उसमें भी हम ALC DLC के पास गए थे, वहाँ पर भी ठेका मजदूरों को बिना किसी पूर्व सूचना के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर 55 सफाई कर्मियों को, जिसमें से 40 महिलाएं थी, उनको निकाल दिया गया था। किसी की उम्र 40 थी, 45 थी, 50 थी, 55 थी, उन लोगों को निकाल दिया गया था। इसका मतलब यही है, यहाँ पर भी जो लोग फेस कर रहे हैं, कि अगर आप 35 साल के ऊपर हो गए, 30 साल के ऊपर हो गए, तो आपको कोई फैक्ट्री में नौकरी नहीं मिलने वाली है 30 साल के ऊपर। और यहाँ पर ज़्यादातर मजदूरों का वो हाल है, यानी कि यहाँ पर केवल नौकरी बदलने की बात नहीं है, यहाँ पर ये बात है कि नौकरी से निकाल देना, यानी कि पूरे के पूरे जो परिवार है उसके पेट पर बहुत बड़ी लात मार देना। आपका जो सवाल है कि क्या क्या एक्शन ले लेना चाहिए था, सबसे पहले तो ये जो डॉक्यूमेंट का बात है, ये पहली दूसरी तारीख के अंदर ही सारे डॉक्यूमेंट कम से कम पहुँच जाने चाहिए थे, चाहे वो, और ये इसलिए भी नहीं पहुँच रहे हैं क्योंकि यही मजदूर पिछले 22 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, 4 कॉन्ट्रैक्टर बदल चुके हैं, लेकिन कंपनी बताती है कि यहाँ एक ही कॉन्ट्रैक्टर रहा है पिछले, और ये उसी कॉन्ट्रैक्टर के मजदूर हैं, जबकि ये मजदूर 4 कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग यहाँ पे आए और गए, ये मजदूर यहाँ टिके रहे। अगर वो डॉक्यूमेंट दिखा देती है तो कानूनी रूप से ही सही, लेकिन बहुत बड़ा प्रूफ आ जाता है कि ये केवल नौकरी के हकदार नहीं है, परमानेंट नौकरी के हकदार है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि ना कोई कानूनी प्रावधान जो कागज़ में है वो कागजी कार्रवाई के लिए ही है, कागज में ही उसका स्थान है और कहीं उसका वो कार्यान्वयन नहीं है, वो केवल कागज में ही रहता है। इसलिए हम ना डॉक्यूमेंट मंगाया जा रहा है, ना कोई कार्रवाई की जा रही है, केवल डांटने पर तो मौखिक रूप से जो भी अधिकारी है वो डांट के अपना बात करते हैं, लेकिन जब लिखित रूप में आता है वहाँ बस ये लिखते हैं कि कंपनी ने कागज नहीं लाया, हम अगली तारीख देते हैं, और उसके बाद जो मजदूरों की व्यथा होती है उसको छुपा दिया जाता है, जैसा अभी तक मजदूरों का जो अन्याय हो रहा है मजदूरों के साथ वो छुपाया जाता रहा है। ये बातें सुन रहे थे हुंडई मोबिस के 105 मजदूरों की, जो लगातार धरने पर बैठे हैं, श्रम विभाग में मामला है, तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है, कुछ अन्यत्र संगठनों के साथी भी उनका सहयोग समर्थन में आ रहे हैं।